Let's try out all the newly launched products of Elite Team. Hello everyone and welcome back to my channel. Welcome to a new video. So, आज के वीडियो को लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइज. मैं काफ़ी टाइम से ये वीडियो करने का प्लान कर रही थी. सो Elite Team ने रिसेंटली बहुत सारे न्यू लॉन्चेस किए हैं एंड टू बी ऑनेस्ट दे आर द टॉक ऑफ द टाउन गाइज. एवरी वन इज़ बाइंग दैम, एवरी वन इज़ रिव्यूइंग दैम. मैं जब भी इंस्टाग्राम खोलती हूँ मुझे कोई ना कोई वीडियो तो Elite Team के प्रोडक्ट्स के बारे में मिल ही जाती है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दिस एंड दैट. And they are super affordable guys. So I decided कि मैं ये सारे products खरीदूँ और उन्हें try करके देखूँ कि क्या वो actual में इतने अच्छे हैं और आपके साथ अपना honest review share करूँ ताकि आप ये products खरीदने से पहले जान जाओ कि ये actual में इतने अच्छे हैं या नहीं guys. अब तो देरी ना करते हुए चलिए चलते हैं video की तरफ. But आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये फेस फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू ऑल. मैं हूँ अमीशा और मैं इस चैनल पे मेकअप, स्किन केयर, क्लोथिंग हॉल, लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ और कभी कभी मैं इस चैनल पे अपने व्लॉग्स भी शेयर करती हूँ. तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, मेरा कॉन्टेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़. सो द फर्स्ट प्रोडक्ट आई हैव विद मी इज दिस Elite Team का एस बेस प्राइमर. काफ़ी क्यूट पिंक कलर के ट्यूब में ये आती है गाइस. इसकी जो MRP है ये 125 रुपीज़ की है बट मैंने इसे सेल पे 95 रुपीज़ का ख़रीदा था. इसमें आपको टोटल 4 ml ऑफ क्वांटिटी मिल जाती है गाइस. ये क्लेम करता है कि आपके पोर्स को ब्लर आउट कर देता है और ये लाइट वेट है. नाउ लेट्स ट्राई आउट ये प्राइमर कैसा परफॉर्म करता है. You can see काफ़ी light consistency का है ये guys. Let's try. I do have pores. मुझे pores की problem तो है. To be honest, इस primer ने मेरे जो pores है उसे blur out कर दिए है guys. Really काफ़ी lightweight primer है. मुझे मेरी जो फेस है ये काफ़ी स्मूथ सी फील हो रही है. इसके ऊपर जो आपका बेस है वो भी काफ़ी अच्छे से ब्लेंड होने वाला है. लाइट वेट है, पोर्स को ब्लर आउट कर दिया है, इसने अपना काम किया है गाइस. मेरी ओपिनियन से ये काफ़ी अच्छा प्राइमर है गाइस. ये सिर्फ 95 रुपीज़ का है और इसने अपना काम बहुत अच्छे से किया है. आप इसे ट्राई कर सकते हो. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव विद मी इज दिस Elite Team का गेट इवन CC क्रीम. की पैकेजिंग कुछ इस तरह की है गाइस. यू कैन सी ट्यूब पैकेजिंग में आती है. ये 99 रुपीज़ का कॉस्ट करता है गाइस बट मैंने इसे सेल पे मिंत्रा से 84 रुपीज़ का ख़रीदा था. इसमें आपको टोटल 18 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं. इसकी शेल्फ लाइफ भी काफ़ी अच्छी है गाइस. इसकी एक्सपायरी 10/26 की है. दैट मीन्स आपको एक डिसेंट सा टाइम मिल जाता है इसको फुल्ली यूज़ करने के लिए. दैट्स गुड. अब चलिए देख लेते हैं ये क्या क्लेम करता है. इट क्लेम्स कि ये एक फुल कवरेज CC क्रीम है गाइस. ये एक नेचुरल ग्लो देता है. द गुड थिंग इज़ दैट इट कम्स विद SPF 15. दैट इज़ गुड. द ओनली थिंग दैट डिसअपॉइंट्स मी इज़ दैट जो ये CC क्रीम है ये सिर्फ 1 शेड में आता है. लाइक ये एक शेड तो सबको सूट नहीं करने वाला. बहुत पुराने टाइम की बात है जब प्रोडक्ट्स सिर्फ एक शेड में आया करते थे. अभी हम बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं. वी आर लिविंग इन 2024 और वी नो लाइक वी हैव दैट मच ऑफ अवेयरनेस कि हमें कौन सा शेड सूट करने वाला है और कौन सा शेड सूट नहीं करने वाला. इंडिया में कितना वर्सेटाइल स्किन टोन है हर इंसान का. एंड अ बिग ब्रांड लाइक Elite Team शुड कीप दैट इन माइंड. लाइक वी हैव ब्रांड्स जिसके पास 50-50 शेड्स है फाउंडेशन के, स्किन टेंट्स के. और अभी के टाइम पे एक शेड में एक CC क्रीम लॉन्च करना इज आई फील इट्स डिसअपॉइंटिंग. बट कीपिंग दैट असाइड लेट्स ट्राई दिस आउट एंड सी कि ये प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म करता है. As I expected,
ये बहुत ज्यादा लाइट शेड है गाइस। अगर आप बहुत ज़्यादा लाइट स्किन टोन के हो और किसी भी फाउंडेशन का आइवरी शेड आपको जाता है देन दिस सीसी क्रीम विल सूट यू। बट अगर आप उससे डार्क स्किन टोन के हो लाइक यूजुअली इंडिया में जैसा स्किन टोन लोगों का होता है तो ये आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करने वाला। ये बहुत ज़्यादा लाइट है गाइज, आपके फेस को पूरी तरीके से ये वाइट कर देता है। सेकेंडली ये फुल कवरेज नहीं है गाइज, इसकी शेयर कवरेज है। नेचुरल ग्लो तो ये देता है। आई विश इन फ्यूचर एलिटीन इस प्रोडक्ट में और ज़्यादा शेड्स लॉन्च करे ताकि जो नॉर्मल स्किन टोन है इंडिया की वो इसे यूज़ कर पाए। वैसे तो अच्छा है कॉलेज जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, रेगुलर यूज़ के लिए सीसी क्रीम बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट द मेन पॉइंट दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें शेड्स ही नहीं है। जब शेड्स ही नहीं है वो शेड हमें सूट ही नहीं होने वाला तो इसे खरीदने का क्या फ़ायदा। तो मैं ऑफ कैमरा थोड़ा सा आई मेकअप कर लिया गाइस ताकि मैं थोड़ी सी प्रेजेंटेबल लगूँ। मुझे वो प्राइमर और सीसी क्रीम ट्राई करना था इसलिए मैं बेयर फेस थी। नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पे एलेटीन का टू टाइमिंग लिप एंड चिक टिंट। This new launch from Elitine is the talk of the town, guys. मैं जब Instagram खोलती हूँ कोई ना कोई इसे review कर रहा होता है। जब मैं इसे purchase करने Nykaa पे जा रही थी तब ये out of the stock था। You won't believe मैंने इसे buy करने के लिए एक महीने wait किया है। मैंने literally Nykaa पे अपना email देके notify me करके रखा था। I literally want to try this out and see कि ये वाकई में इतना अच्छा है या नहीं या सब बस ऐसे ही हाइप बना रहे हैं। सो ये जो प्रोडक्ट है इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी है गाइस, कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आती है ये। इसकी जो MRP है ये 150 है गाइस, बट मैंने इसे Nykaa से 120 रुपीज़ में ख़रीदा था। इसमें टोटल आपको 4 ml ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है। ये जो प्रोडक्ट है ये दो शेड्स में अवेलेबल है। मेरे पास जो यहाँ पे है ये ट्रॉपिकाना शेड है। सो इट क्लेम्स कि ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, लॉन्ग लास्टिंग फॉर्मूला है और काफ़ी मॉइस्चराइजिंग है, नॉन ड्राइंग है। इसमें थोड़ी सी स्मेल भी है गाइज, वो जो एलेटीन का जो सिग्नेचर स्मेल है ना जो उनके सारे लिपस्टिक्स में आती रहती है वैसे ही स्मेल आ रही है इससे। मैं फिंगर से ब्लेंड कर रही हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद दिस टिंट। काफ़ी वाटर लाइक कंसिस्टेंसी का है गाइस, सच में ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। ब्लेंड भी काफ़ी इजीली हो गया, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्लश दे रहा है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद इट। इसे लिप्स में अप्लाई करके देखते हैं ये लिप्स में कैसा परफॉर्म करता है। I'm really impressed with this product guys, especially this shade Tropicana is the exact dupe of Benetint. जिन लोगों ने Benetint use किया हुआ है they will know कि Benetint की भी जो consistency है same इसी की तरह water like consistency है और वो काफ़ी easily face में blend हो जाता है। This cost only 150 rupees, just imagine. I request you give it a try guys, this is really good. सो मैंने इसे एक ही ट्रिक पे अप्लाई किया है बिकॉज आई हैव वन मोर ब्लश फ्रॉम एलेटीन टू ट्राई आउट। द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव विथ मी इज दिस एलेटीन का ब्लश बॉम इन द शेड 01 कोरल। सिंपल से ट्यूब लाइक पैकेजिंग है गाइस, जिसमें ऊपर एलेटीन का लोगो है। ये जो ब्लश है ये 3 शेड्स में अवेलेबल है। मेरे पास यहाँ पे 01 कोरल है गाइस, इसकी MRP 185 रुपीज़ है बट मैंने इसे 85 रुपीज़ में ख़रीदा है। लिटरली 100 रुपीज़ कम में इसे मैंने सेल पे ख़रीदा है मिंत्रा से। इसमें आपको टोटल 9 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं गाइस। ये क्लेम करता है कि इसका मॉइस्चराइजिंग लाइटवेट फार्मूला है और शिमरी टिंट्स है ये गाइस। नाउ लेट्स सी ये इन रियलिटी कैसा है। क्रीम ब्लश है गाइस, काफ़ी मूजी सा टेक्स्चर है इसका। देखा लिटरली ये 10 सेकेंड में ब्लेंड हो गया गाइस। इसने मुझे ब्लश के साथ साथ कितना नेचुरल सा एक शाइन
और कह सकते हैं ग्लो दिया है। दिस ब्लश इज रियली अ बॉम ब्लश गाइस, इतना ज़्यादा अच्छा है, कितना ब्यूटीफुल सा कोरल शेड है। और इस ब्लश को अप्लाई करने के बाद आपको अलग से हाइलाइटर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, आपको नेचुरल से शाइन भी दे रहा है। बहुत ही प्यारा सा ब्लश है गाइस, आई कांट बिलीव कि 85 रुपीज़ में मुझे इतना प्यारा सा ब्लश मिल गया है। एज इट क्लेम्स लाइट वेट फार्मूला है गाइस, ब्लेंड भी ईजीली हो जा रहा है, मॉइस्चराइजिंग है। मैंने बहुत सारे लिप टिंट्स और क्रीम ब्लशेस अप्लाई किए हैं, बट उनके साथ क्या होता है कि आपने जैसे ऐसे डॉट दिए ना, तो जिस जगह पे आप डॉट देते हो वो उस जगह पे वो स्टेन रह जाता है, ब्लेंड करने के बाद भी वो स्टेन आपको विजिबल रहता है। बट एलिटीन के ये दोनों ब्लशेस में यू कैन सी जहाँ भी मैंने वो ब्लश अप्लाई किया था वहाँ पे आपको कुछ भी स्टेन या कुछ भी डॉट्स नहीं दिखने वाले, ये काफ़ी ईजीली ब्लेंड हो गया है गाइज। दिस इज लिटरली अ बॉम ब्लश, क्या कितना खूबसूरत लग रहा है, लाइक लिटरली 85 रुपीस में इतना अच्छा सा ब्लश, सोच नहीं सकते। एलिटीन ने अपने ब्लशेस में आग लगा दिया गाइस, दे आर लिटरली वेरी गुड, लाइक हाई एंड प्रोडक्ट से अच्छा है, ज़रूर इसे ट्राई करके देखो, स्पेशली कॉलेज गोइंग गर्ल्स, इफ़ यू आर इन सर्च ऑफ अ बजट फ्रेंडली लिपस्टिक टिंट, गो फॉर देम, आई एम टेलिंग यू, गो फॉर देम, आप रिग्रेट नहीं करने वाले। आप इसे ट्राई करके देखो, वापस आगे इस वीडियो में मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये अच्छा लगा या नहीं। प्रोडक्ट आई हैव विद मी इज दिस एलिटीन का OMG लिप ग्लॉस, कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आती है ये गाइस। एलिटीन हैव रिसेंटली लॉन्च्ड देयर लिप ग्लॉसेस इन 7 शेड्स, 6 जो लिप ग्लॉस है वो टिंटेड शेड्स में है और एक जो उनका लिप ग्लॉस है वो PH कलर चेंजिंग लिप ग्लॉस है गाइस। सो ये जो लिप ग्लॉस है इसकी MRP 185 रुपीज़ की है गाइस, बट मुझे ये सेल में 83 रुपीज़ का रिसीव हुआ है। इसमें आपको टोटल 2.5 ml ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सो द शेड आई हैव विथ मी हेयर इज दिस रोज ऑल डे, यू कैन सी द पिगमेंटेशन, वन एप्लीकेशन में ये पिगमेंटेशन आई है गाइज ऑन माई लिप्स, रियली बटर लाइक एप्लीकेशन है गाइज, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, नॉन स्टिकी है, यू कैन सी नॉन स्टिकी एंड नॉन ड्राइंग तो है, मॉइस्चराइजिंग फॉर्मूला है, आई लव इट, यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, अच्छा लिप ग्लॉस है। Last but not the least, I have this Elitin Colored Lip Stack 3-in-1 Lipstick with me, guys. ये जो MRP है वो 275 रुपीज़ की है, बट मुझे ये सेल में 151 रुपीज़ का मिला है guys. इसमें टोटल आपको 4.5 ml of product मिलता है। It comes in 7 color combinations. The color combination I have here with me is Road Trip, जिसमें आपको 3 shades मिलते हैं, first red, second pink and the third one is beautiful sa brown lipstick. It claims ki butter smooth application hai iski, non-drying hai, non-sticky hai, long-lasting hai. Packaging ko dekhe to kaafi cute si packaging hai, like agar aap yahan se open karoge to aapko red lipstick mil jayegi, agar aap middle se open karoge to aapko pink lipstick mil jayegi, और अगर आप टॉप से ओपन करोगे तो आपको ये ब्राउन लिपस्टिक मिल जाएगी। नाउ आई क्विकली शो यू द शेड्स, किसके शेड्स कैसे हैं। So, in my opinion, these lipsticks are pretty decent. Like Elitin की जो liquid lipsticks थी उनसे अच्छा formula है really इनका, moisturizing formula है, non-drying है, lips को dry नहीं कर रही, non-sticky है, you can see.
कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई. आपको यहाँ पे एक सेट में थ्री डिफरेंट शेड्स ऑफ लिपस्टिक्स रिसीव हो रहे हैं, जो आप डिफरेंट ओकेशंस पे यूज़ कर सकते हैं. स्पेशली दिस कॉम्बिनेशन, द रोड ट्रिप कॉम्बिनेशन, इसमें आपको न्यूट शेड मिल रहा है, पिंक शेड मिल रहा है, रेड शेड मिल रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मल्टीपर्पज़ होने वाला है. डिफरेंट डिफरेंट लुक्स में, डिफरेंट डिफरेंट ओकेशंस में आप इसे यूज़ कर सकते हो. लाइक दिस न्यूट शेड आप कॉलेज या ऑफिस जाते समय यूज़ कर सकते हो, इस पिंक शेड को आप इंडियन वेयर पे यूज़ कर सकते हो, और इस रेड शेड को बोल्ड लुक्स में यूज़ कर सकते हो. इन सभी के साथ ही मुझे ये एलेटिन की कलर पॉप मैट लिपस्टिक फ्री मिली थी, तो आई थॉट इसे भी शेयर कर लिया जाए. दिस इज इन द शेड R36 मरून सिटी. ब्यूटिफुल सा शेड है, आई एम हैप्पी विद इट. सो ये थे वो सारे एलेटिन के न्यू लॉन्चेस एंड प्रोडक्ट्स जो कि मैंने मिंत्रा और नायका से ट्राई करने के लिए और उनका रिव्यू आपके साथ शेयर करने के लिए खरीदा था. आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा. आई एम थिंकिंग टू ट्राई आउट सम जूडियो के मेकअप प्रोडक्ट्स, बिकॉज जूडियो ने काफ़ी कम टाइम में बहुत अच्छी एक मेकअप लाइन लॉन्च कर दी है, एंड एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट इट. सो आई थॉट क्यों ना मैं भी अपना ओपिनियन उसमें शेयर करूँ. तो लेट मी नो क्या आप वो देखने के लिए इंटरेस्टेड हो या नहीं. अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट आई विल डिसाइड. लेट मी नो इट इन द कॉमेंट सेक्शन. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर देना. और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मैं मिलती हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में. टिल देन, बाय बाय.